हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से सादर निवेदन है संबोधन के लिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी बहुत नजदीकी से जुड़े रहे हैं और हिमाचल को भली भांति जानते हैं, आज के इस पावन मौके पे विशेष तौर पे यहाँ पे पहुंचे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति श्री हरवंश जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी एवं उपाध्यक्ष हंसराज जी और इस सभागार में उपस्थित समस्त विधानसभा से आए हमारे पीठासीन अधिकारी। प्रधानमंत्री जी, आज बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी काउंसिल चैम्बर और इसके संसदीय इतिहास के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस विधानसभा के इस सभागार के 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर हम सब एकत्रित हुए हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को सशक्त करने व संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहीं से 100 वर्ष पूर्व सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। लोकतंत्र की बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी, हिंदुस्तानी लोकतंत्र का अलख यहाँ से जगाया गया था और यही स्थल भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का सूत्रधार है। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए लोकतंत्र के किसी पर्व से कम नहीं है और इस मौके पे आप हमारे बीच में विराजमान हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित इस सभागार में सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विधानमंडल के पहले चयनित अध्यक्ष भी इसी यहीं पे कुर्सी पे विराजमान हुए थे, माननीय श्री विठल भाई पटेल जी, जहाँ पे श्री ओम बिरला जी आज सुशोभित हैं और उन्होंने अंग्रेजी हुक्मरानों को हराकर यहाँ पे पहले पीठासीन अधिकारी का आसन ग्रहण किया था। इस सदन में भारत को आजाद करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया और महिलाओं के मताधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में पारित होते रहे। हमें फक्र है कि पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी, जिनकी की आज पुण्यतिथि है, इस सदन को सुशोभित कर चुके हैं। अंग्रेजों के समय में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा और यहाँ पर केंद्रीय असेंबली का संचालन होता रहा। उसके बाद पंजाब विधानसभा यहाँ से चलती रही, हिमाचल प्रदेश सचिवालय भी कुछ समय के लिए यहाँ से चला, ऑल इंडिया रेडियो जैसे प्रतिष्ठित संस्थान यहाँ से चलाए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से 50 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और आज उसके 50 साल की जयंती भी हम यहाँ पे मना रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश का इतिहास 50 साल पुराना हो गया है और पूरा साल हम इस समारोह को सब मिलके मिला रहे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज यहाँ पे पीठासीन अधिकारियों का कार्यक्रम हो रहा है। पीठासीन अधिकारी राजनीतिक दलों से आते हैं, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है कि पीठासीन अधिकारियों की कोई पार्टी नहीं होती। इस संसदीय मर्यादा और उच्चतम परंपरा को हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सदन के भीतर लोकतंत्र के सारे दारोमदार पीठासीन अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करते हैं। लोकतंत्र परंपराओं और मान्यताओं से चलता है और इसलिए आज इनके समक्ष पेश आ रही तमाम चुनौतियों और चिंताओं पर गौर करने की जरूरत है।
महोदय, एक समय था जब पीठासीन अधिकारी पार्टी की बैठकों में नहीं जाते थे, राजनीतिक पार्टी की बैठकों में नहीं जाते थे, चुनाव के दौरान प्रचार नहीं किया करते थे। लेकिन ये परंपराएं अब टूटने लगी हैं, जो हमारी उच्च संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के विपरीत है। मुनासिब है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हमारी संसदीय मर्यादाएं और परंपराएं हैं, और पक्ष विपक्ष दोनों को इस पर मिलकर विचार करना होगा। विधानमंडल जानकारियां छुपाने का भी मंच नहीं है, लेकिन देखने में आने लगा है कि आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं पहले मिलती हैं और विधानसभाओं में देरी से मिलती हैं। ये भी एक चिंतनीय विषय है। देखने में आया है कि दल बदल कानून बन तो गया है, लेकिन उसको लेकर कई तरह की अवधारणाएं हैं। मामले अदालतों में जाते हैं और भारतीय लोकतंत्र कटघरे में खड़ा होता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दस्तूर रहा है कि हम 35 बैठकें करते हैं, और प्रयास रहता है कि ये सभी बैठकें पूरी की जाएं। विधानसभा में शून्यकाल हो या ना हो, इस पर फैसला लंबित है, और इस पर आपका मार्गदर्शन भी अमूल्य है। सदन पक्ष और विपक्ष से चलता है। ये जाहिर भी है कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं होती। चर्चाओं में संतुलन लाने के लिए विपक्ष को पर्याप्त समय मिलना चाहिए, अन्यथा लोगों के मुद्दे दबे रह जाएंगे, क्योंकि ये माना गया है कि ऑपोजिशन इज अ सोल ऑफ डेमोक्रेसी। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत के जो शिल्पकार थे, मैं आज इस सदन में उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को दोहराता हूँ। अध्यक्ष निष्पक्षता का प्रतीक है, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सच्चा संरक्षक है, इसलिए उसे एक अद्वितीय स्थान हासिल है। भारतीय संविधान द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त हैं, यही बात माननीय श्री ओम बिरला जी ने भी कही है कि पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों को तर्क संगत बनाने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान की पहली पेपरलेस असेंबली का गौरव हमें प्राप्त है। हिमाचल विधानसभा द्वारा स्थापित ई विधानसभा प्रणाली का पूरा देश अनुसरण कर रहा है। 100 वर्षों की इस स्वर्णिम यात्रा को यादगार बनाने के लिए निगाहें आपकी तरफ केंद्रित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दूसरा परिसर धर्मशाला में स्थापित है, जो कि ई विधान की राष्ट्रीय स्तर की अकेडमी बनाने के लिए हम लंबे अरसे से प्रयास कर रहे हैं। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, तब भी इस अकेडमी के प्रयास हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका वरदहस्त प्राप्त होगा तो इस स्वर्णिम यात्रा में एक शानदार उपलब्धि दर्ज होगी। आज आपकी गौरवमयी उपस्थिति में इस कार्यक्रम से हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास का एक नया इतिहास जुड़ा है। निश्चित तौर पर इससे हमारी लोकतंत्रीय तांत्रिक संसदीय प्रणाली मजबूत होगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और श्री ओम बिरला जी का विशेष तौर पर आभारी हूँ कि आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हो रहे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम सबको गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी से सादर निवेदन है विचार साझा करने के लिए।